जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के दो मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ए रोहित शर्मा, बी शिखर धवन, सी विराट कोहली या डी युवराज सिंह? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में, संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और भाजपा के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे भागलपुर, किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे चुनावी दौरे को लेकर भागलपुर पहुंचे हो। वहीं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि बिहार की भोली वाली जनता को 10 लाख नौकरी देने का झांसा देकर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार विकासशील देश और बिहार की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी विचारधाराओं का जमावड़ा है। और मोदी जी है और डबल इंजन की सरकार, यह बिहार के लिए अच्छी रहेगी। डबल इंजन के माध्यम से ही विकास हो सकता है, ये बिहार की जनता समझ रही है। और वहीं दूसरी तरफ वहां भी डबल इंजन है और वो दो इंजन है भ्रष्टाचार और अपरिपक्वता की। आप देखिए, जहां तक आरजेडी का सवाल है, वो अपरिपक्व नेतृत्व है और भ्रष्ट नेतृत्व है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं तो कहूंगा ये कैसी जोड़ी है, राहुल गांधी और तेजस्वी। आप बताइए, ये जोड़ी क्या बिहार को उसके पराकाष्ठा तक पहुंचा सकती है? आप सिर्फ इतना सोचिए कि एक तरफ मोदी जी और नीतीश जी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी, किसकी जोड़ी में दम है? आप इसी का चिंतन करिए और उसी से ही चुनाव की जो नैया है वो आगे बढ़े। मैं अपनी बात को कहकर अंत करूंगा क्योंकि हेलीकॉप्टर का समय भी हो गया है। 10 लाख नौकरियों की बात हमारे ऑपोजिशन वाले करते हैं बंधुगढ़। आप याद करिए, 1990 से 2005 तक मांग दी गई थी जिस समय कुशासन था, और आज जब सुशासन का दौर 2005 से 2020 तक चला है, जिस प्रकार 6.5 लाख नौकरियां और 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, हमने तो ये प्रण पहले से ही पूरा कर दिया। इसलिए ये झूठ का प्रचार अपप्रचार ना करें, एक संपूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने वाली है। इतना ही कहके मैं निवेदन करूंगा, यहाँ उग्रवादी और हिंसा तत्व को भड़काने वाले लोग हैं। ये महागठबंधन पूरी तरह से यहाँ परास्त होगी और इतनी बड़ी आंधी आ रही प्रधानमंत्री जी के बाद, मैं देख रहा हूँ पूरा बिहार में घूम रहा हूँ, जो आंधी करी है पहले फेर में, उस आंधी में जब 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी इस अंग गणतर पर भागलपुर में चरण रखेंगे, तो यहाँ से वह तूफान बनेगा और तमाम ये महाठगबंधन का ये तंबू उजड़ करके और बंगाल की खाड़ी में समा जाएगा। कोई हिंद महासागर में मिलेगा और कोई अरब सागर में जाकर के समा जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि भागलपुर समस्त सभी हमारे उस दिन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में आकर के और आप मेहनत करके यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और आप सब मिल करके आप इस भागलपुर को जैसा आपने सजाया है भागलपुर। चुनावी सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे पर विरोधियों को घेरा। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा ताड़र महाविद्यालय परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने अंदाज में बिना किसी का नाम लिए विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर बेबाकी से अपने बातों को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि लालटेन फट गई, आरो तेल बह गई, पहले के पीएम भेजते थे 100 पैसा पहुँचता था 16 पैसा, लेकिन अब पीएम मोदी के भेजे गए सभी 16 आना पैसा लोगों को मिल रहा है। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने सहयोगी रक्षा राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ एनडीए प्रत्याशी पवन यादव के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। लालटेन फूट गई, हाथ चल गया। अरे सुना था,
हमारों सुना लालटेन फूट गई है, अब तेल बह गई है, अब न पंजाब चली और न उनका कोई खेल। तब हम जाए जाए नहीं ना, चलो आगे के मीटिंग है। देखा हमारे नित्यानंद राय के बहुत बोले की चाहत कर रहा है, लेकिन यहाँ ना ही बोलना है ताकि हमें ही बोल रहे। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं, हमारा नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री, बिहार हो चाहे हिंदुस्तान का कोई कोना हो, मेरे बहनों भाइयों उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो या नहीं। कर इस पर तो बहस हो सकती है कि नीतीश कुमार ने कम काम किया, अधिक किया और कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, इन सब सारी चीजों पर तो बहस हो सकती है। लेकिन इस बात पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है कि नीतीश कुमार के अथवा सुशील मोदी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। बहनों भाइयों, इसीलिए वोट आपसे मांगने आया हूं। मैं तो बहुत देर तक आपके सामने रुकता लेकिन काफी विलंब हो गया। एक बात और कहना चाहता हूं, बिहार की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। भागलपुर के जगदीशपुर पुलिस द्वारा 3,91,000 रुपए जब्त। भागलपुर के जगदीशपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3,91,000 रुपए जब्त किया है। बता दें कि भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर सनहोला मोड़ के निकट जगदीशपुर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वाहन चेकिंग अभियान चला रखा था। इसी दौरान एक बाइक सवार को रोककर तलाशी ली गई तो उसके बैग से 3,91,000 रुपए पाया गया। जब रुपए का कागजात दिखाने को कहा गया तो सही कागजात नहीं दिखा पाया, इस कारण मजिस्ट्रेट द्वारा रुपए को जब्त कर लिया गया है। वहीं यह रुपया बांका जिले के रजौन निवासी मोहन लाल गुप्ता के पुत्र मुकेश कुमार गुप्ता का था। इसका 3,91,000 किया गया है, कोई पेपर नहीं है, ये पैसा अपना कोषागार से निकालेंगे। ठीक है, ओके। नवगछिया MLC चुनाव की तैयारी पूरी, मतदान आज। MLC चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। नवगछिया अनुमंडल के सभी प्रखंड मुख्यालय में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नवगछिया प्रखंड में कुल 1380 मतदाता हैं जो गुरुवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसको लेकर नवगछिया प्रखंड मुख्यालय में 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें एक मतदान केंद्र पर 874 एवं दूसरे मतदान केंद्र पर 506 मतदाता हैं। गुरुवार की सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान को लेकर नवगछिया BDO व CO को प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है। बिहार पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार पुलिस स्मृति दिवस पर बुधवार को नवगछिया पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवगछिया SP स्वप्नाजी मिश्रा एवं SDPO दिलीप कुमार, नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास सहित सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस के जवान शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज की सुरक्षा को लेकर अपने प्राणों की बलि चढ़ाने वाले शहीद जवानों को याद किया गया। इस दौरान SP सहित सभी पुलिस पदाधिकारी ने शहीद जवानों को सलामी दी। इसके बाद सभी पुलिस पदाधिकारी ने शहीद हुए पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। नवगछिया गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ढोलबज्जा में NDA प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। गोपालपुर विधानसभा में लगातार 3 बार जीत का परचम लहरा चुके NDA प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने ढोलबज्जा पंचायत का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया। उन्होंने नीतीश कुमार के शासनकाल में क्षेत्र में विकास कार्यों को याद दिलाया और अपील की कि एक बार पुनः उन्हें सेवा करने का मौका दें। मौके पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सविता देवी, जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, नवगछिया प्रखंड की जिलाध्यक्ष नंदनी सरकार समेत सैकड़ों NDA समर्थक मौजूद थे। नवगछिया में राजद प्रत्याशी शैलेश ने किया इस्माइलपुर कार्यालय का उद्घाटन। गोपालपुर विधानसभा अंतर्गत इस्माइलपुर प्रखंड के चंडी स्थान में महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के दरमियान प्रत्याशी शैलेश कुमार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए इस बार तेजस्वी सरकार को मौका दें और मुझे गोपालपुर विधानसभा से जीत दिलाएं। निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के विकास की बागडोर में कोई कमी नहीं होगी। मौके पर जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल, रामदेव मंडल, मुखिया अजय सिंह, धर्मेंद्र यादव, अरुण यादव, अयोध्या यादव,
बटेसर मंडल, लड्डू दास, बबलू यादव, गौरीशंकर यादव सहित दर्जनों महागठबंधन के नेता व ग्रामीण उपस्थित हुए। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के नौगछिया बाजार सहित कई क्षेत्रों में राजपा प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। नौगछिया बाजार क्षेत्र के विकास के लिए गोपालपुर विधानसभा से राजपा के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबोदा ने नौगछिया बाजार एवं नौगछिया प्रखंड के बोरबा सहित डोलबज्जा में पार्टी के कार्यकर्ता एवं समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। मौके पर उन्होंने कहा कि अनियमितता से भरा बिजली बिल आने की समस्या, तीनटेंगा से जाह्नवी चौक तक रिंग बांध सहित नौगछिया बाजार की मूल सुविधा एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव जीतने के बाद उनकी यह प्राथमिकता रहेगी। वहीं मौके पर उनके साथ दर्जनों राजपा समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। नौगछिया शहर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर नौगछिया शहर में नौगछिया पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। इस क्रम में पुलिस की टीम शहर के मखा तखिया, नवादा, मनिया मोड़, उजानी, पुनामा, प्रताप नगर, तेतरी, पकड़ा आदि जगहों पर फ्लैग मार्च किया। मार्च का नेतृत्व नौगछिया थाने के दरोगा राजकुमार सिंह कर रहे थे। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, शीशम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। नवगछिया, जाप और राजद प्रत्याशी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने की प्राथमिकी दर्ज। गोपालपुर विधानसभा के जनाधिकार पार्टी की प्रत्याशी और राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवगछिया सीओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं नौगछिया सीओ विश्वास आनंद ने नौगछिया थाने में दिए आवेदन में कहा है कि 13 अक्टूबर को कदवा ओपी थाना क्षेत्र के नवीन नगर पुनामा कदवा गांव के निवासी राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार ने नामांकन के बाद अनुमंडल कार्यालय गेट संख्या 4 के पास अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। दूसरी तरफ इस्माइलपुर के अंचलाधिकारी रोहित कुमार ने नौगछिया थाने में दिए अपने आवेदन में कहा है कि 15 अक्टूबर को रंगराव ओपी के सदवा निवासी जनाधिकार पार्टी की प्रत्याशी सवाना आजमी ने अपने नामांकन के पश्चात गेट संख्या 3 के पास अपने समर्थक के साथ नारेबाजी की और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। नौगछिया थाने में दोनों मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। गोपालपुर के गोसाई गांव में आग से झुलसकर एक घायल। नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव निवासी अमीन मलिक के 2 वर्षीय पुत्र किशोर दीपक कुमार आग में झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिली है कि वह खेलने के क्रम में गिर गया और आग की लपेट में आ गया। नवगछिया, छोटी अटगावा गंगाधार में यात्रियों से भरा नाव डूबा। खरीक थाना क्षेत्र के छोटी अटगावा गंगाधार में परवल की खेती के लिए लोधीपुर दियारा जा रहे किसान मजदूरों से भरी नाव जाल में फंस जाने से डूब गई। नाव पर तकरीबन 25 किसान मजदूर सवार थे। नाव पर सवार लोगों में महिलाएं और बुजुर्ग भी थे। नाव का दुर्घटना छोटी अटगावा गंगा घाट के समीप होने से डूब रहे लोगों को बचाने के लिए पीछे से आ रहे दूसरे नाव पर सवार मजदूरों और तट के समीप मौजूद नाविकों व स्थानीय गोताखोरों ने गंगा में डूब रहे लोगों को बचाया। गंगा तट के समीप दुर्घटना होने के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई और किसी तरह जान माल की क्षति नहीं हुई है। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043 67170।
बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में, संपर्क करें 8340371787 7325052437।